बहेलपुरवा थाने में माड़ो बंधा पर यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको चित्रकूट से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चित्रकूट से, जहां पर किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी डकैत ढेर हुआ है। एसटीएफ की डकैतों से मुठभेड़ हुई आज चित्रकूट में और उसके बाद इनकाउंटर में ये डकैत ढेर किया गया है। बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं। पुलिस पार्टी द्वारा आठ लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षा उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुँचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसमें उसका नाम बालचंद्र यादव पडवनिया सतना एमपी का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। तो चित्रकूट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद डकैत ढेर है, 25,000 का ये इनामिया डकैत है जो ढेर हुआ है मुठभेड़ में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट की, जहाँ पर किस तरह से एसटीएफ से मुठभेड़ हुई और उसके बाद 25,000 का ये इनामिया ढेर हुआ है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अभिनेत्री सनी लियोनी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। थाने से चंद कदम की दूरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सनी लियोनी की पार्टी में पुलिस भी मौजूद रही, पार्टी का लुत्फ उठाती रही यहां पर आशियाना पुलिस, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का कहीं से भी ख्याल नहीं रखा गया। थाना आशियाना के चांसलर क्लब में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई। सनी लियोनी का ये कार्यक्रम जिसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का कहीं से भी ख्याल नहीं रखा गया, पुलिस भी यहां पर मौजूद थी, बावजूद इसके यहां पर दो गज की दूरी का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। और अगली खबर लखीमपुर से है, जहां पर दुधवा जंगल में भीषण आग लगी है। आग लगने से वन समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। आग लगने के आसपास अफरा तफरी मच गई है। लखीमपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या जानकारी मिल पा रही है, जिस तरह से लखीमपुर के जंगल में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल शैलन, देखिए दुधवा के किशनपुर इलाके का यह मामला है, जहां पर ये भीषण आग जंगल में लगी है। इस जंगल में आग लगने के कई मायने होते हैं, खासकर वन संपदा को नुकसान और दूसरे जो वन जीव है उन पर भी तमाम तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरीके से जो दुधवा प्रशासन है उसकी लापरवाही है, क्योंकि अंदाजा ही लगाया जा रहा है कहीं से चिंगारी बढ़ती होगी, उसके बाद इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया। अभी तक जो वन विभाग की टीम है, जो दुधवा की टीम है, वो मौके पर नहीं पहुंची है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आग है और ज्यादा दायरे को ले सकती है। चलिए, शारिक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लखीमपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से जंगल में भीषण आग लगी है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें कई भीगे फसल जलकर खाक हो गए। हैरानी की बात ये रही कि सूचना के कई घंटों बाद भी दमकल की गाड़ियां यहां पर नहीं पहुंची। तस्वीरें हम आपको सुल्तानपुर से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आग का ये तांडव देखने को मिला है। जानकारी के बाद भी काफी देर तक यहाँ पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला है। वसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है, जिस तरह से आग का कोहराम यहां पर देखने को मिला? देखिए सर, तो आपको बता दें कि कुड़वार थाना क्षेत्र के बीबीगंज गोविंदपुर का एक गांव का मामला है, जहां देर शाम जो है आग अज्ञात कारणों से आग लगनी बात बता रही है, जिसके बाद ये पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें कई बीघे फसल किसानों की जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन करीब 3 घंटे बाद दमकल पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फिलहाल राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी मौके पहुंच के जो नुकसान हुआ उसका जायजा ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भेजने की बात कह रहे हैं। चैलेंज अनुप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार 100 समाचार।